इस साल मैं अपने पाठशाला से मैदानी स्पर्धा में हिस्सा लेने गई थी। मैंने ऊंची कूद और भागने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। जब मैं ऊंची कूद कर रही थी, तब मैं ऊपर नहीं जा पाई। प्रैक्टिस करते मैंने देखा कि मुझे पैर पर बड़ी चोट आई थी। खून बह रहा था और मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल था कि मुझे अपने चोट के बारे में नहीं, बल्कि अपने संघ के बारे में सोचने की जरूरत थी। और अंत में मेरा पहला नंबर आया था। नमस्ते, मेरा नाम धीरा है। शुरू में टेनिस खेलना नहीं आता था। सीखने में मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। मैंने अच्छे से टेनिस सीखने की कोशिश की और उसमें मैं सफल हुई। अब मैं अच्छे से टेनिस खेल लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम किरण सजनानी है। पिछले साल मैंने हिनी दिवस पर एक हिनी प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता के लिए मुझे एक भाषण तैयार करना था। उसका विषय था हम हिनी क्यों सीखें। मैंने बहुत सोचा कि मैं ये भाषण कैसे लिखूं। जब मैंने सोचना शुरू किया, मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे सारे शब्द हिंदी में आए, पर ऐसा हो नहीं रहा था। सारे शब्द अंग्रेजी में ही आ रहे थे, पर भाषण हिंदी में लिखना था। फिर मैंने धीरे धीरे हर अंग्रेजी शब्द को हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया। मैंने अपने परिवार के साथ पूरी तरह से हिंदी में बात करना शुरू किया। इससे मेरी हिंदी में बहुत सुधार आए और मेरा भाषण तैयार हो गया। मैं प्रतियोगिता दूसरे स्थान पर जीत गई। मैं अपने इस सफलता से गर्व महसूस कर रही थी। ये छोटी सफलता पाकर मुझे ये पंक्तियाँ याद आ जाती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मेरी स्टीवेंसन हाई स्कूल में प्लेसमेंट की परीक्षा थी। ये लगा कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने मेरी कठिनाइयों का जवाब ढूंढा। मैंने हंटिंगटन क्लासेस लगवाए। मैंने अंग्रेजी और गणित पढ़ा। परीक्षा के दिन मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मुझे परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। न्यूज चैट में आपका स्वागत है। आज हमारी शो पर एक बहुत ही सफल और अद्भुत लड़की पेश है। स्वागत कीजिए मिस विद्या भरद्वाज को। शानदार स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद।
में आपकी सफलता के बारे में कुछ बता सकते हो? ठीक है, मैं आपको मेरे तैरने की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 4 साल की थी, मैं तैरना शुरू किया। मैं क्लास गई और बहुत कोशिश की। कई बार जब मुझे लंबा तैरना मुश्किल पड़ा, तब मुझे तैरना छोड़ने की विचार आई। लेकिन मेरी मम्मी और पापा ने मेरा हौसला बढ़ाई और मुझे फिर कोशिश करने की साहस दिया और अंत में सफल हो गई। सफल होने के बाद भी मैंने कोशिश जारी रखी ताकि मैं अपनी सफलता और बड़े सकूं। वाह वाह, क्या बात है! अपने एक ही कहानी में सिखा दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार सिर्फ न्यूज़ चैट पर।